हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप लोग तो अच्छे होंगे यार, क्योंकि आपको मैं वीडियो बना के दे देता हूँ और आप रजाई में बैठे बैठे उस वीडियो को वॉच करते हो और बोलते हो कमेंट बॉक्स में, वाह भाई क्या वीडियो बनाई है, कितने इंटरेस्टिंग और क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है भाई। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और अनबॉक्सिंग के साथ जो फोन है अपने इंडिया मेकिंग नंबर वन, उसका नाम है रेडमी जियोमाई का आया हुआ फोन रेडमी नोट 7, जिसमें आप कैमरास की बात करें तो मिलते हैं 48 मेगापिक्सल की। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं अनबॉक्सिंग, जिसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम मुझे 30 लाइक जरूर देना, क्योंकि आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है, आप लोग 30 लाइक तो दे ही सकते हो यार। और वीडियो को फुल वॉच करना यार, क्योंकि आपका जितना डाटा इसमें लगना था डाटा लग चुका है और वीडियो बफरिंग हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे हाथ में जो आप देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 फोन का बॉक्स। और इस बॉक्स में मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या क्या है और क्या फीचर्स है इनमें। तो दोस्तों, इस बॉक्स को खोलने के बाद हमें फर्स्ट में मिलता है एक इस फोन का कवर जो सिलिकॉन का है और काफ़ी अच्छा है, वो स्लिम है। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस फोन का जो थिकनेस है वो 0.8 mm थिकनेस है इसकी, काफ़ी स्लिम फोन है यार। और इस फोन का आप देख पा रहे हैं बैक ग्लास डिजाइन, जो Realme 2 में आपने देखा होगा, अपने फेस को भी काफ़ी इजीली जो शो कर देता है, वैसा डिजाइन है इसके बैक ग्लास का। और दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको एक चार्जर जो 10 वाट का होता है और वो काफ़ी आपको फास्टली आपके फ़ोन को चार्ज करता है। और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है कि अगर आप कोई शॉर्ट सर्किट या मतलब काफ़ी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा चार्जर आपको मिल रहा है। और बैटरी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा, मैं आपको बाद में बताऊँगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक चार्जिंग का जो है केबल, जो टाइप सी पोर्ट का है, वो इजीली आप उसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी खींचाने पर या कभी मतलब फ़ोन को गिरते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से फ़ोन आपका बच जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अभी इस फोन की कैमरा की। तो दोस्तों आपको फ्रंट में मिलता है 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा और फुल HD डिस्प्ले यानी 6.3 इंच का डिस्प्ले होगा गोरिल्ला ग्लास के साथ। और रियर की बात करें दोस्तों, तो आपको रियर में मिलता है 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा और दूसरा 5 मेगापिक्सल का कैमरा। और बैक डिजाइन तो काफ़ी बेटर है, जो आप देख सकते हैं आप इसे, बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका बैक डिज़ाइन यार, क्योंकि मुझे मैं Realme 2 जब खरीदा था बिल्कुल वैसा ही मुझे मिल रहा है। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा आपको रियर में ही, वो आपको OnePlus 60 की तरह वो डिस्प्ले में नहीं है। तो दोस्तों इसमें आप यूज़ कर सकते हैं 3.5 mm का जैक, जो हर फोन में एक्चुअली आ रहा है, तो बहुत अच्छा है 3.5 mm जैक आपको यूज करना है। और इसमें आपको मिलता है जो स्पीकर, वहाँ पे तो दो स्पीकर का डिजाइनिंग है, बस एक ही स्पीकर आपके लिए है। और दोस्तों इस फोन को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शो हो रहा है Redmi by Xiaomi। तो दोस्तों Xiaomi के द्वारा फोन लॉन्च हुआ है Redmi Note 7, जो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। मेरे ख्याल से Redmi में अभी जो फ़ोन आया है जो ये 48 मेगापिक्सल में है, वो Redmi का अभी नंबर वन फ़ोन चल रहा है भाई। तो इसमें थोड़ा सा यार प्रॉब्लम आया मुझे कि देखो यहाँ पे जो फ्रंट में और फ्रंट के टॉप और बॉटम में यार, यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है नॉच, जो मुझे अच्छा नहीं लगता यार, नॉच तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप फ़ोन को जब हिलाकर ऐसे वैसे थोड़ा देखते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा इसमें स्लिम टाइप की चल रही है, तो वही मुझे ये मुझे अच्छा लगा कि Gorilla Glass की हिलाने पे थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। बट इसकी नॉच मुझे अच्छी नहीं लगी यार, कि नॉच अगर हटा देता ना तो काफ़ी अच्छा फ़ोन को चलाने में मतलब काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होता। और अगर आप कैमरा को चेक करते हो दोस्तों, तो आप किसी भी रेशियो में आप फ़ोन को इसमें पिक ले सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा जूम हो रहा है इसमें विदाउट फोटो को फटे हुए। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली इसका अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ यार, क्योंकि मैं ये फ़ोन अभी खरीद के मतलब ऐसे यूज कर लिया, उसके बाद मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए यार मुझे खेद है, ठीक है। और आप मुझे अगर मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव जो दिया हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ गलत होता है तो चलो यार एक दोस्त समझ के यार इसको इग्नोर करना। और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये रहा अनबॉक्स।